ओ शांति। अपने दिव्य नयनों से स्वयं को देखे, यह देह जैसे एक सीप है, और इसमें स्थित मैं आत्मा एक दिव्य मोती हूं। दिव्य प्रकाश से जगमगाता हुआ दिव्यता से संपन्न दिव्य ज्ञान दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित देखे अपना दिव्य स्वरूप नैन चैन से रूहानियत की झलक मस्तक पर दिव्य तेज मेरे रूहानी नैन सबकी विशेषताएं देखते हैं ये रूहानी नयन हर आत्मा को अनादि आदि स्वरूप में ही देखते हैं चेहरा सदा हर्षित होठों पर रूहानी मुस्कान मेरे वरद हस्त सबको दुआए आशीर्वाद और वरदान देते हैं मैं सबको देने वाला देवता हूं मैं देवी देवता कुल का हूं
चरित्रवान महान आत्मा हूं। मैं शांत हूं, संतुष्ट हूं, सरल हूं, सहज हूं। मैं संपूर्ण पवित्र हूं। मैं गायन योग्य, पूजन योग्य आत्मा हूं। मैं पूज्य आत्मा हूं। अनुभव करेंगे अपना दिव्य पूज्य स्वरूप सबके आगे प्रत्यक्ष हो रहा है। सभी भक्तों को मेरे पूज्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है। सभी भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं। कोई मेरे सामने धूप जला रहे हैं। कोई मुझे हार पहना रहे हैं। कोई मेरी आरती कर रहे हैं। कोई मेरे कर्तव्य का वर्णन करते कीर्तन कर रहे हैं। तो कोई मेरे नाम का तिलक लगा रहे हैं। मुझे इन सर्व आत्माओं की शुभ आशाओं को पूर्ण करना है। सभी भक्त सदा सुखी रहे। खुश रहे। मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूं। सबको परमात्मा संदेश दे रहा हूं। सबका मिलन
एक परमात्मा पिता से कराकर सभी को सर्व प्राप्ति संपन्न बनाने के मैं निमित्त बनता हूं। मैं पूज्य आत्मा हूं। मेरे शरीर की भी पूजा होती है तो आत्मा की भी पूजा होती है। मेरे शरीर की पूजा देवताओं के चित्र के रूप में, तो मुझ आत्मा की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है। भक्ति मार्ग में शक्तियों को जो देवियों के रूप में दिखाते हैं, प्रकृति की शक्ति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को देवताओं के रूप में दिखाते हैं, यह मेरा ही तो वर्णन है। मेरे ही पूज्य स्वरूप का शक्तियों के रूप में पूजन होता है। भक्ति मार्ग में जो देवी देवताओं को दिखाया है वो मेरा ही तो शक्ति संपन्न स्वरूप है। मेरे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप श्री महाकाली है। मेरे सामना करने की शक्ति का स्वरूप श्री दुर्गा है। मेरे सहन शक्ति का, मेरे संतुष्ट रहने और सबको संतुष्ट करने की शक्ति का गायन संतोषी माता के रूप में होता है। मेरी कितनी महिमा है जो भिन्न भिन्न नाम से मेरे हर शक्ति का गायन और पूजन अब तक भी हो रहा है। मेरे वायु समान हल्के बनने की, डबल लाइट बनने की शक्ति का पूजन वायु देवता के रूप में हो रहा है। पवन पुत्र हनुमान के रूप में हो रहा है। जरा सोचो,
जिसके हर शक्ति का इतना पूजन है, वो स्वयं क्या होगा? मैं पूज्य आत्मा हूं, अपने पूज्य स्वरूप को स्मृति में रखने से अब मेरा हर कर्म पूज्य है। कितना न शुक्रिया करूं मेरे परम पूज्य पिताश्री, मेरे प्यारे शिव बाबा आपका, जो आपने मुझे पुजारी से पूज्य बना दिया। शांति।